नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। रूबरू कराएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पामपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। भारत चीन तनाव का असर अब कारोबार पर दिखने लगा। स्मार्टफोन की दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो को अपने स्मार्टफोन की भारत में ऑनलाइन लॉन्चिंग रद्द करनी पड़ी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प पर रूस ने चिंता जताई, साथ ही विश्वास जताया कि भारत और चीन मिलकर सीमा विवाद को सुलझा लेंगे। कानपुर में गुस्साए व्यापारियों ने चाइना में टीवी और एलईडी तोड़कर आग के हवाले कर दिए। इसके साथ ही व्यापारियों ने पूरे और प्रवासी भारतीयों से अपील की कि चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें। पीएम मोदी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर निराशा जताई कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य की चुनौतियों व सीमाओं पर चर्चा नहीं हुई। भारत 8वीं बार चुना गया सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, 192 में से मिले 184 वोट। मुंबई में बैंक फ्रॉड के केस में बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आवास पर सीबीआई का छापा। युद्ध की तरह मुस्तैद सेना, चीन को उठाना होगा हर नापाक कोशिश का नुकसान। कोरोना वायरस की चपेट में आए पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पटना एम्स में भर्ती। बुधवार शाम को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि मंगलवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ऑकलैंड से 116 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान कल रात चंडीगढ़ पहुंचा। महंगाई की मार बरकरार, 12 दिन में पेट्रोल 6.55 रुपये महंगा, डीजल 76 के पार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां के शमशान घाट में कोरोना वायरस से मरे मरीज की तकनीकी खराबी के चलते 29 घंटे तक अधजली लाश पड़ी रही। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा, सीमा विवाद को हवा देकर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है चीन। चीन बॉर्डर पर तनाव के बीच तेजस्वी यादव का सवाल, क्या बात है जो भारत के रिश्ते हर पड़ोसी से बिगड़ रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ के सांसद बेटे नकुल नाथ की शिवराज सरकार ने सुरक्षा घटा दी। सुरक्षा हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए वोटिंग से पहले कांग्रेस को झटका, एसपी बीएसपी सहित 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने विदेश मंत्री जयशंकर से गलवान मुद्दे पर की बात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक हिजबुल आतंकी गिरफ्तार, पिस्टल समेत कई चीजें बरामद। मणिपुर में बीजेपी गठबंधन सरकार को झटका, 3 विधायक कांग्रेस में शामिल, उप मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्रियों ने छोड़ी पार्टी। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा। 2 साल से अधिकारी ये फाइलें सीएम तक नहीं पहुंचने दे रहे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,76,264 हो गई। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 13,107 नए मरीज सामने आए और 341 ने जान गंवाई। बीजेपी नेता सुरेंद्र बरवाला के बेटे पर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 501 दीप जलाकर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर।